जय हिंद दोस्तों, मैं पप्पू कुमार, सब फिर से स्वागत है आपके अपने टारगेट इंडियन आर्मी चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे अच्छी धावक जो होते हैं, सबसे अच्छी तेज जो धावक होते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे अपना स्प्रिंट मारने की तैयारी करते हैं, कैसे 1600 मीटर की रनिंग की तैयारी करते हैं, मैं चार टिप्स बताऊंगा, चार चक्कर लगाने हैं, कैसे टेक्निक होती है, कैसे वहाँ पे लगते हैं, ये सारे चारों ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, कैसे आपको स्प्रिंट मारना है, क्या कब आपको क्या करना है, वो चारों जो टेक्निक है मैं आपको चार माध्यमों से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम भर्ती में लग जाते हैं तो ये नहीं सोच के डरना है कि हाँ भाई कि मेरी रेस खराब है, पहले ही हम अपना रेस को क्या कर रहे हैं, अच्छे से बना के जाएं, अपने ब्रेथ को अच्छे से बना के जाएं कि हम क्या करें, रनिंग को इम्प्रूव कर सकें, अपनी टाइमिंग जो है कैसे कम करें, कैसे अच्छी टाइमिंग लाएं। उस पहला चक्कर जाएंगे 200 मीटर का। ठीक है दोस्तों, 200 मीटर जाने के बाद से होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद से फिर 200 मीटर के जाएंगे, फिर आने के बाद से कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, 5-5 सेकंड तक करना है उस एक्सरसाइज को। ठीक है, चार चक्कर आपको लगाने हैं, चार चक्कर में 200 मीटर के ध्यान रखना है कि 200 मीटर के चार चक्कर लगाने हैं। ठीक है, पहले 200 मीटर जाना है तो आके फिर होल्ड करना है, फिर दूसरा जब 200 मीटर जाना है फिर आके होल्ड करना है, फिर दूसरा जब 2 मिनट तीसरा जाना है तो फिर होल्ड करना है, ऐसे चार चक्कर लगाने के बाद से आपको 30 सेकंड का फिर होल्ड करना है, फिर आपको चार चक्कर फिर लगाना है 200 मीटर, यानी 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, 200 मीटर का रनिंग स्टार्ट बताते हैं, पहले सुनो जाना। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, जो पहला राउंड जाएगा 200 मीटर का, ठीक है दोस्तों, उसको जितना आप स्लो जाएंगे 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर को आपको क्या करना है, स्लो जाना है। ठीक है, और 100 मीटर क्या करना है आपको सोचना है, खींच क्या है, हम लोग पूरा अपना दम कम लगा के जाएं। ठीक है, जैसे हम जा रहे हैं, देखिए 200 मीटर ही जाएं दोस्तों, आप 400 मीटर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी आपको 400 मीटर में पूरी दे देनी होगी। ठीक है, आप 200 मीटर का ही जाएं, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है सबसे लाभकारी एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है, 200 मीटर आने के बाद से पहला जो एक्सरसाइज होगा आप क्या करें, तुरंत रुक के होल्ड कर ले शरीर को। देखिए जैसे क्या करें, बैक फ्लिप पे होल्ड कर ले, कम से कम 5 से 6 सेकेंड के लिए आप क्या करें, होल्ड कर ले। जैसे मैंने होल्ड करके रखा है, होल्ड करके आपको रेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, आपको अपना स्टेमिना पूरा फिर रेस में लगा देना है, फिर आपको 100 मीटर स्लो जाना है। ठीक है दोस्तों, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आपको 200 मीटर ही जाएं दोस्तों, आप 400 मीटर मत जाएं। ठीक, ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज जो है आप सप्ताह में 2 दिन ही करें दोस्तों। ठीक है, 2 दिन ही सप्ताह में, आप कभी बुधवार को कर लें या संडे को कर लें, 3 दिन आप जो रनिंग करते हैं, जैसी रनिंग करते हैं करें, लेकिन जो चौथा दिन, तीसरा दिन या चौथा दिन होगा दोस्तों, ये 1 दिन अपने रनिंग के बाद एक्सरसाइज में डालें। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है सबसे लाभकारी एक्सरसाइज है दोस्तों। फिर दूसरा बार जब दूसरा चक्कर अपना कंप्लीट हो दोस्तों, तो कंप्लीट होते ही क्या करें, आप जैसे कोर को मजबूत करने के लिए, आपने अपने पेट को मजबूत करने के लिए, जो दौड़ते समय जब हमारे पेट में दर्द ना हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि रनिंग करते समय पेट में जो क्या होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट में क्या होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये चेस्ट में भी दर्द स्टार्ट नहीं होगा, पेट में भी दर्द स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा कोर मजबूत होगा। फिर क्या करें, फिर जब अपना स्प्रिंट उठाएं 100 मीटर क्या गया है, अपना स्प्रिंट के हिसाब से जाए, इससे क्या होता है कि हमारी जो क्षमता होती है, हमारे अंदर कितनी जान है, वो पता लग जाती है कि हम कितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है जो हम अपना रनिंग को इम्प्रूव कर पाते हैं। क्योंकि 200 मीटर अब जाते हैं, चार चक्कर लगाते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 मीटर। हम तैयारी कितने ही करते हैं, 1600 मीटर की। ठीक है दोस्तों, जब हम रनिंग करके यहाँ पे आके अपना शरीर को होल्ड कर रहे हैं 5-5 सेकंड के लिए, क्योंकि हम जब रनिंग करके आ रहे हैं तो एक भी मिनट का रेस्ट, एक भी सेकंड का रेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम आते आते क्या कर रहे हैं, अपने एक्सरसाइज में लग जा रहे हैं। ठीक है, और तुरंत एक्सरसाइज खत्म होते हम क्या कर रहे हैं, रनिंग में फिर से लग जा रहे हैं। ऐसे करके हमको चार चक्कर लगाने हैं। ठीक है, और चार चक्कर लगाने के बाद तुरंत क्या करना है आपको, 30 से 1 मिनट के लिए रेस्ट लेना है। ठीक है, फिर आपको फिर ये चौथा चक्कर, चार चक्कर को दोहराना है। ठीक है दोस्तों, ये दोहराने से आपका क्या होगा कि फिर चार चक्कर बढ़ेगा। चार चक्कर बढ़ने का मतलब क्या होगा कि आप 1600 मीटर के काबिल हो जाइएगा। धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कीजिए, कम से कम ये पहला दिन आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक चक्कर लगाइए, नहीं हो पा रहा है तो दूसरा चक्कर लगाइए, फिर तीसरा दिन क्या कीजिए, तीसरा चक्कर लगाइए, चौथा दिन क्या कीजिए, चौथा चक्कर लगाइए। ठीक है, आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप रनिंग रोज़ कीजिए। ठीक है, और रोज़ करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद इसको ऐड कीजिए अपने एक्सरसाइज में। दोस्तों ये जो होती है हमारी टाइमिंग कम करने में, 4:50-5 डाउन करने में बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है दोस्तों। ये एक्सरसाइज ही बहुत चमत्कारी एक्सरसाइज है दोस्तों, इससे हम मुझे भी फ़ायदा हुआ है, मैंने भी इंडियन आर्मी की रेस क्लियर की है दोस्तों। ठीक है, आप जब आ जा रहे हैं तो अब चौथा चक्कर मेरा कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। जैसे मैं आऊँगा तो क्या करूँगा, पैरों से कूदना, जैसे लास्ट चक्कर होगा तो कूदिए, आप आते आते क्या कीजिए, कूदिए,
जितना हो सके उतना कूदिए, ठीक है। कूदने के बाद से क्या होता है कि बैक फ्लिप मारते जाइए आप, बैक फ्लिप जो होता है बटर पे, बट अपने बैक पे जो आगे की ओर मारते जाइए आगे की ओर, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके आप एक्सरसाइज को कंप्लीट किए, 4 चक्कर पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके अंदर कितनी जान बची है इसका आपको पता चल जाएगा कि आप 1600 मीटर के काबिल हैं कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर डालिए दोस्तों। क्या है आप लोग, हर एक चक्कर के बाद से मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइज बताई है, वो एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, प्रॉपर करना है। 4 चक्कर हो गया, फिर से जब 30 सेकंड का रेस्ट लीजिए, कम से कम 30 से 1 मिनट का रेस्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप 4th चक्कर 5वां चक्कर लगाने का कोशिश कीजिए, 5वां चक्कर के बाद फिर आपको होल्ड करना है, फिर 6th चक्कर के बाद आपको पैर की एक्सरसाइज करना है, 7th चक्कर के बाद आपको डिप्स की सहायता में आना है, एप्स को कोर को मजबूत करना है, फिर 8वां चक्कर आपको ऐसे ही रहना, 200 मीटर का फिर से चक्कर लगाइए। हर चक्कर के बाद आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपके शरीर के अनुसार अच्छा लगे। आप हर चक्कर में सोचिए कि 100 मीटर धीरे जाना है और 100 मीटर पूरा स्प्रिंट लगा के आना है, तो आपकी ब्रेथ क्या होगी, आपके जो रनिंग स्किल क्या होगी, हर दम इम्प्रूव होती जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैसे इम्प्रूव होगी कैसे नहीं, जो मेरे अनुसार जो मैंने देखी हुई अपने शरीर के अनुसार काम किया हुआ है, मेरा ये रिजल्ट लाया है, उसके अनुसार मैं आपको ये बातें पहुंचा रहा हूँ कि हर स्पीड के बाद से, हर 200 मीटर के बाद से आपका कीजिए, अपना ब्रेथ टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए कि मेरे अंदर कितनी जान बची हुई है। क्योंकि आप जब 200 मीटर के राउंड लगा के आएंगे और जब स्प्रिंट मारेंगे आप यहाँ पर, आप होल्ड कीजिएगा ना, उसके बाद से आपको लगेगा कि हाँ हमारे शरीर के अंदर कितना जान बचा है। फिर जब जो दूसरा चक्कर लगाइएगा बिना रुके बिना थके, ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं मैं क्विट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, आपको छोड़ना नहीं है, कम से कम 4 चक्कर कंप्लीट करना है। आप 4 चक्कर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद से कम से कम 30 सेकंड का रेस्ट कीजिए, उसके बाद से काम कीजिए, मेरी अभी कंप्लीट हो गई, आगे कहीं कम से कम 1 मिनट का रेस्ट लीजिए, ठीक है। उसका फिर लगाइए 4 चक्कर, क्योंकि आपको 1600 दौड़ना है, आप 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अनुसार वो 8 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे ना 200 मीटर के। आप 100 के भी लगा सकते हैं, पर 100 का लगाएंगे 100 मीटर के, तो आपको हर 100 मीटर के बाद से करना होगा आपको 16 रेपिटेशन लगाने होंगे, कि 16 दहाके तो आपको 16 रेपिटेशन लगाने पड़ेंगे। अगर आप 400 का लगाते हैं तो 4 रेपिटेशन लगाने पड़ेंगे। आपके अंदर कितना जान है हर राउंड के बाद पता चल जाएगा कि हाँ मेरी अंदर कितनी कैपेसिटी है रनिंग करने की, कितनी कैपेसिटी है एक्सरसाइज करने की, ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेरी जितनी भी एक्सरसाइज है उसको फॉलो करें और डाइट को कभी मिस नहीं करें दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, बने रहें हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। हर वीडियो पिछले वीडियो पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।